बिहार के मुजफ्फरपुर में 108 लोग ट्रेसलेस बताए जा रहे हैं। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इन लोगों की तलाश के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। दिन में कई बार मोबाइल फोन करने के बाद भी सभी 108 लोग मोबाइल कॉल को नहीं पिक कर रहे हैं। जिन लोगों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, इन सभी लोगों को कोरोना से बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग स्क्रीनिंग की जाँच करना चाह रहा है, लेकिन सभी लोग मोबाइल फोन ही नहीं उठा रहे हैं। सभी लोगों के नाम, पता और मोबाइल नंबर के साथ एक सूची मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन को सौंप दी गई है कि उसमें भागीदारी करने का सूचना थी, तो हम लोग दोनों को वेरीफाई किए तो दोनों लोग जा नहीं पाए थे उस मरकज में। एक लोगों का पैर टूट गया था और दूसरे लोग दूसरे रीजन से नहीं जा पाए थे, लेकिन उन लोगों के माध्यम से लोगों को सूचना मिली कि कुल 16 लोग गए थे अन्य लोग, लेकिन वो लोग भी 11 मार्च के आसपास वापस आ गए थे। फिर भी हम लोग एहतियात के तौर पर उन लोगों को क्वारंटाइन किए, एक मदरसा में 12 लोगों को हम लोग क्वारंटाइन किए सकरा में, और बाकी लोगों को होम क्वारंटाइन किए, और उन सभी लोगों का हम लोग सैंपल लिए और उसको जांच के लिए भेजे, और वो सैंपल निगेटिव आ गया, उसकी रिपोर्ट भी आ गई है। दूसरी सूची जो हम लोगों को प्राप्त हुई वो 248 लोगों की सूची प्राप्त हुई, जो कि टावर लोकेशन के आधार पर उस पीरियड में जो लोग यहाँ के मुजफ्फरपुर जिले के दिल्ली में निजामुद्दीन के आसपास थे, तो उनका मोबाइल नंबर और जो यहाँ का एड्रेस दिया हुआ था उसको देखते हुए टावर लोकेशन के आधार पर 248 लोगों की सूची प्राप्त हुई थी। उसमें हम लोग जो वेरीफाई किए, 140 लोगों से तुरंत संपर्क हो गया, और उसमें से 87 लोग जो हैं वो दिल्ली में ही रह रहे हैं। उनका एड्रेस यहाँ का मुजफ्फरपुर का था, लेकिन वो लोग दिल्ली में ही रह रहे हैं, और बाकी जो 53 लोग थे यहाँ, हम लोग उनको जो है संपर्क किए उन लोगों से, उन लोगों को होम क्वारंटाइन हम लोग कराए, उनका स्क्रीनिंग हुआ, उनमें कोई लक्षण नहीं पाया गया, और चूंकि पहले आ गए थे तो इसलिए हम लोग उनका सैंपल भी नहीं लिए, और वो अभी भी स्वस्थ हैं। बाकी जो लोग बचे, लगभग 108 लोग जो बचे, उनकी तलाश हम लोग कर रहे हैं, उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। जो मोबाइल नंबर उसमें दिया गया है उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है, उसकी सूची हम लोग प्रखंड वाइज बना करके और अपने जो हमारे लोगों का मैकेनिज्म है कंट्रोल रूम से और जगह से उसको वेरीफाई करा रहे हैं, पुलिस के माध्यम से भी करा रहे हैं, और उसमें जैसे जैसे लोग मिल रहे हैं वैसे वैसे उनका स्क्रीनिंग हम लोग कर रहे हैं। तो अभी तक कोई उस प्रकार का लक्षण के साथ कोई व्यक्ति मरकज का हम लोगों को नहीं मिला है, और ये हम लोगों के लिए बहुत अनुभव हुआ। वही मुजफ्फरपुर के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने 14 दिन पहले तक यात्रा करने वालों से अपील की है कि वे सामने आए और किसी प्रकार के लक्षण होने पर चिकित्सक से संपर्क कर अपना स्कैनिंग करें। न्यूज डेस्क।